बच्चे जा रहे हैं उधर से, ठीक है, और हम जो है हमारी ये क्लास जा रही है दर्जा सानी की, ये ब्रांड इसकी पोजीशन है बेटा, तेरी पोजीशन है। अच्छा तो बच्चे जा रहे हैं भाई। हाँ अब्दुल्लो आप भाई की यहाँ पोजीशन ये हुए 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 भाई साहब चेक करें जी, ये हमारे माशाल्लाह पोजीशन होल्डर खड़े हुए हैं। ठीक अस्सलाम वालेकुम, तो गाइस कैसे हैं आप सब, उम्मीद करता हूं कि आप ठीक ठाक होंगे और अल्हम्दुलिल्लाह आपकी दुआ के साथ आपका भाई बिल्कुल ठीक ठाक फर्स्ट क्लास है। तो यार यहां से मैं उन लोगों को स्टार्ट कर रहा हूं, जैसे कि आपको पता है यार मैंने आपको बताया था कि आज आपका भाई आपको बहुत बड़ा सरप्राइज देने वाला कि यार अभी जो है ना हमें फांसी के फंदे पे चलाने वाले हैं। पता है क्यों आपको मैं बता दूं, कि जैसे कि आपने मेरे गुज़श्ता भी लोग देखे होंगे आपको पता होगा कि भाई हमारे पेपर हुए थे, ठीक है ना, तो जिसकी वजह से जो है बस अभी तकरीबन एक घंटे बाद हमें फंदे पे चढ़ाने लगे यार, हमारा रिजल्ट नतीजा आने वाला है। तो यार फाइनली जो है थोड़ा सा इंतजार करते हैं, ठीक है ना, मैं आपको सारा माहौल दिखा देता हूँ कैसे जो है इनामात मिलते हैं। भाई आपको पता है यार आपका भी पोजीशन होल्डर तो है ही ना, माशाल्लाह वाजिबा सुभानअल्लाह। तो यार खैर देखते हैं पत्नी पोजीशन आएगी या नहीं। तो यार आप जो है मैं आपको सारा माहौल दिखाऊंगा भाई, कैसे जो है इनामात तकसीम होते हैं, कैसे बच्चों को बुलाते हैं, कैसा रश होता है। फिर यार आपका भाई ना वहाँ पे इंशाल्लाह अगर जिंदगी रही ना और मौका मिला तो आपका भाई वहाँ पे नाथ भी पढ़ेगा। तो यार आपको पता है कि जब मैंने पिछले ब्लॉग में नाथ पढ़ी थी तो आपने कहा था यार आपने बहुत अच्छी नाथ पढ़ी है, तो एक नाथ और पढ़ो। तो भाई मैंने फिर अपना नाम लिखवाया वहाँ पे, तो अभी जो है इंशाल्लाह घंटा पड़ा हुआ है, घंटे के बाद जो है मैं आपको मिलता हूँ वहाँ पे, नाद भी होगी, तलावत सब कुछ। भाई वी अभी कैसे का मॉल है मैं आपको दिखाने वाला हूँ, बस थोड़ा इंतजार करें। मैं आपको बता दूँ अभी एक घंटा पड़ा हुआ है, तो हम इंतजार करते हैं, मुझे भूख लगी है। मैं चाहता हूँ कि यार आप ऊपर जाके ना नाश्ता जैसा कुछ ठूसते हैं यार, पेट बहुत हल्का हो गया, काफी दिन हो गया कुछ खा पी नहीं रहा यार। ये देख सकते हैं ठीक है ना, हमारी क्लास का माहौल है। ये देखें अरशद भैया ये लेटे हुए हैं, सो रहे हैं भैया, आराम सुकून कर रहे हैं। ये अब्दुल वहाब भैया ये भी सो रहे हैं, और ये हमारे कारी साहब है भाई, वो भी सोए हुए हैं। ये सारे जो है आप देख सकते हैं। ये मुदस्सर क्या खेल रहा है, पबजी, फ्री फायर खेल रहा है भाई। ये देखो भाई क्लास में बैठ के फ्री फायर खेल रहा है, और ये रिहान भाई सामने बैठे हैं वो भी मोबाइल चला रहे हैं, और तैयब भाई माशाल्लाह पढ़ रहे हैं। तो खैर यार आप मैं बता दूं कि भाई उस्ताद नहीं आए, वैसे भी उन्होंने जो है ना 10:30 बजे का टाइम दिया, साढ़े दस बजे जो है ना नहीं आते। हाँ यार ये तो है, लेकिन खैर यार हमें क्या उस्ताद नहीं आते, हमने तो अपना टाइम देना, बाकी वो उनका और अल्लाह का मामला है कि वो आते हैं नहीं आते। तो खैर यार एनीवेज वेलकम बैक हो गया आज के ब्लॉग के अंदर। अगर अभी तक आपने अमीन ब्लॉग या इनको ज्वाइन नहीं किया तो भाई लाइक और सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दो। A few moments later जो है आप देख सकते हैं ठीक है ना, 10:30 बज चुके हैं, मैंने जैसे आपको बताया था एक घंटे का टाइम है। तो यार अभी जो है फटाफट यहाँ से निकलते हैं, बैग मैंने ये भी पैक कर लिया, ये भी पैक कर लिया, ऐसे पैक किया जैसे मैं यार यहाँ से टूर कर रहा हूँ। यार इसको जो है ना उठा के ना और रखते हैं वहाँ पे, ओ तेरी खैर खैर भाई पैक हो गया, निकलो 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 निकलो, क्लास बंद कर रही है यार आपको पता है, निकलो। अब ये बैग है, इसको हम ऐसी जगह पे रखते हैं कि ताकि प्रोग्राम खत्म हो तो उठा ले यार, इसको तो घर लेके जाना है। निकले ये रवाब भाई तैयार हो गए हैं, ये कार साहब अभी सो के उठे हैं, मुजम्मिल भाई उठ जाओ यार, उठ जाओ, टाइम नहीं है, उठ जाओ भाई, तैयार हो गए बच्चे सारे भाई, अब निकलते हैं भाई, माहौल दिखा दो मैं आपको भाई का। बच्चे जा रहे हैं उधर से ठीक है, और हम जो है हमारी ये क्लास जा रही है दर्जा सानी की, ये ब्रांड इसकी पोजीशन है बेटा, तेरी पोजीशन है। अच्छा तो और भी वो भी बच्चे हैं, ये दफ्तर है, कैमरा बंद करना पड़ेगा, चलो शुक्र है कोई भी नहीं है। वो बच्चे जा रहे हैं भाई। हाँ अब्दुल वहाब भाई की आप पोजीशन, ये देखो आईफोन 15 प्रो, अपना मोबाइल दिखा, एक पापा भाई की है, एक तैयब भाई की, अगर मेरी पोजीशन आ गई सामने बच्चे तो आपको नाश्ता करो। हुए हुए भाई साहब चेक करो, रश चेक करो यार, ये बड़ा दरवाजा क्यों नहीं खोला, यहाँ से चले जाना था, ये था अब यहाँ से मुश्किल है। चलो खैर जाते हैं अंदर, फिर मैं मिलता हूँ आपको। एक दफा मोबाइल ऊपर करना पड़ेगा, पकड़ा ना जाए। मोबाइल साहब तक सुभान अल्लाह माशाल्लाह। सुभान अल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह, यूट्यूबर है भाई। हक जलाने मुस्तफा।
کا تیسری پوزیشن حاصل کی ہے اور طلبا ہمارے اس قانون سے واقف ہیں کہ تقریب کے دوران اگر پوزیشن والا طالب علم موجود نہ ہو تو اس کے بعد بھی انعام نہیں دیا جاتا. اللہ اکبر کیسا سخت قانون ہے یار. بڑا ہیوی مشورہ دے رہے ہو ہیں کر سب تڈی گی رہا ہے تڈی گی رہا ہے جانا چاہیے تو خیر یار آپ ماحول چیک کر سکتے ہیں ٹھیک ہے نا. ابھی جو ہے اولا ثانیہ سے شروع ہونے لگے ہیں سارے خوش ہو رہے ہیں. آئے 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 بھائی چیک کرو بھائی دکھاؤ بھائی چیک کرو ثانیہ اور اولا اول اول انعام. اچھا مدرم ماشاء اللہ بھائی مدثر بھائی مبارک ہو. ناشتہ بنتا ہے اچھا کل ہاں دکھاؤ تیرا کون سا ہے دوسرا تیسرا تیری تو فیل ہے بیٹا ماشاء اللہ یہ سوم پوزیشن آئی ہے حمزہ بھائی ناشتہ بنتا ہے ہاں بنتا ہے نا ہاں کروانا بھی ہے جنہیں بنتا نہیں ہے. اور یہ وہاں بھائی دکھاؤ یار ماشاء اللہ درجہ ثانیہ سوم ان کی بھی مسئلہ آپ دونوں کے اکٹھے نمبر دینا کتنے تھے 727 کتنے میں سے 900 میں سے اور اچھا آپ کے کتنے تھے 900 میں سے 814 بھائی ماشاء اللہ پہلی پوزیشن یہ تیسری آپ سوچ رہے ہیں کہ دوسری ہمارے کلاس کے طالب علم کی آئی تھی وہ نہیں تھا نا. اچھا شاید اس نے لے لی ہو یار ہمیں نہ نظر نہ آ گیا ہو. چلو خیر اس سے بعد میں ملتے ہیں. آئے 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 بھائی چیک کرو بھائی دعا ہو گیا ٹھیک ہے انعامات بھی مل گئے بچوں کو. اور ابھی جو ہے رش چیک کرے بھائی کتنا زیادہ رش ہے. طلبا نکل کے چلے گئے ہیں میں بھی رش میں پھنسا ہوا تھا میں خود لیٹ نکلا ہوں. آئے 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 ابھی دیکھتے ہیں یار اگر کوئی نتیجہ لگا کلاس میں کتنے نمبر آئے کیا آپ کے بھائی نے تیر مارے ہیں دیکھتے ہیں یار. دکھ بہت ہوا پوزیشن نہیں آئی یار. خیر یار یہ سارے بچے آپ دیکھ سکتے ہیں اندر سے آ رہے ہیں ادھر اس دروازے پہ بھی رش ہے دیکھیں آپ ادھر طلبا جا رہے ہیں لیکن ادھر بھی رش ہے دیکھ لیں بھائی. یار جاتے ہیں اپنی کلاس میں دیکھتے ہیں کیا صورتحال ہے رزلٹ لگا کہ نہیں ہمارا. ہوئے 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 بھائی صاحب چیک کرے جی یہ ہمارے ماشاء اللہ پوزیشن ہولڈر کھڑے ہوئے ہیں ٹھیک ہے. پہلی پوزیشن کس کی آئی ہے مدثر بھائی کی آئی ہے بھائی بہت بہت مبارک ہو یار ناشتہ بنتا ہے اچھا. اور دوسری کس کی آئی ہے ہاں طیب بھائی یار اس نے نا تقریباً بہت زیادہ محنت کیا. میں آپ کو بتاتا ہوں اس کے رات کو میسج آتے تھے کہ یار یہ چیز سینڈ کرو بیچارے نے بہت زیادہ محنت کیا بہت خوشی ہوئی طیب بھائی اللہ آپ کو اور ترقی دے. تو یار ماشاء اللہ نے دوسری پوزیشن لی ہے. ناشتے کا ہم آپ سے نہیں کہیں کیونکہ مجھے پتا یار آپ نے ہمیں ویسے ہی بنا بتائے ناشتہ کرا دینا ہمیں پتا ہے. اور ماشاء اللہ یہ تیسری پوزیشن آئی ہے وہاب بھائی کی کہ نہیں یہ بھی کروا لیں گے. اچھا ناشتہ کریں گے آپ سے جب کروا دیں گے چلے میں آپ کو کروا دوں گا کوئی ایشو نہیں اس سے پہلے آپ نے مجھے کروانا ہے. تو خیر یار یہ آپ دیکھ سکتے ہیں تیسری پوزیشن آئی ہے ماشاء اللہ وہاب بھائی کی. وہاب بھائی گڈ ہو گیا لک ہو گیا مزہ آ گیا بھائی آپ نے پہلے تیسری پوزیشن لی ہے. پوچھ لیتے ہیں یار یہ ہمارے حمزہ بھائی نہیں بونس میں نہیں آئے بونس میں یہ بھی ماشاء اللہ محنت کرتے رہے ہیں. یہ دیکھ سکتے ہیں ان کی بھی تیسری پوزیشن ہے. حمزہ بھائی مبارک ہو بہت خوشی ہوئی ہے کہ اللہ نے آپ کو جو ہے تیسری پوزیشن دی ہے. آپ ہمیں بھی اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا کہ اللہ ہمیں بھی ہاں ناشتہ کروا دے گا کوئی ایشو نہیں ہے. تو خیر یار ماشاء اللہ آپ سارے انعامات دیکھ لیں تو بہت ہی خوشی ہوئی ہے یار. آپ کے بھائی کا کیا بنا میں آپ کو سارا بتا دیتا ہوں کہ میرا کیا بنا جو ہے ابھی جاتے ہیں اپنا جو ہے نتیجہ لے کے آتے ہیں ایسی کی شیٹ ہوگی ٹھیک ہے نا اس کے اوپر ہر طالب علم کا اپنا نام ہر طالب علم کی ایک کتاب کے نمبر اور کتنے نمبر آئے ہیں کتنے فیصد آئے ہیں سب کچھ لکھا یار. آپ کا بھائی کا کیا بنا سارا میں کو بتا دیتا ہوں یار. اچھی لے کے آ چکا ہوں کیونکہ آپ کو پتا یار یہ سارے گئے تھے کسی کو منہ نہیں لگایا انہوں نے. مجھے کہا بھائی امیر کو بلاؤ میں گیا ہوں پھر جو ہے نا میں لے کے آیا ہوں پرچے سرچے ہیں آپ دیکھ سکتے ہو. یہ کہاں سے ہے اچھا یہ نسیم احمد سے شروع ہو رہا ہے. نسیم بھائی میرا ولاگ دیکھ رہے ہو مجھے پتا ہے یہ بتا دو بھائی یہ آپ کے نمبر آ گئے ہیں ٹھیک ہے بھائی. یہ دیکھیے 1578 میرا رول نمبر ہے. محمد امین اللہ والد صاحب کا نام باجوڑ سے تعلق ہے. 99 نمبر آئے ہیں اما پارا میں اور اسی طرح جو ہے 86 نمبر آئے ہیں فوائد مکیہ میں اور ذات الطالبین میں. یار 52 نمبر یار یہ پورا پیپر میں نے حل کیا یار کیا یار قسم سے یہ استاد جو ہے نا ویسے یار میرے ساتھ مطلب کہ صحیح نہیں رہتے. خیر کوئی مسئلہ نہیں دیکھ لیں گے ان سے بھی. تو 52 نمبر آئے ہیں. اس کے بعد جو ہے قدوری ہے قدوری میں 72 چلو یہ ٹھیک ہے اور ہدایت نو میں 73 یہ اور یہ کتاب جو ہے ان سے پوچھنا پڑے گا بھائی کیوں نمبر کاٹے ہیں. اور 99 نمبر علم الصیغہ کے ایک نمبر کیوں کاٹا یار کیوں کاٹا اس کی وجہ کیا ہے یار یہ میں نے پیپر بالکل صحیح کیا یار یہ صحیح نہیں ہوا. قرات الراشدہ یہ بھی ٹھیک ہوا چلو ٹھیک ہے کوئی مسئلہ نہیں. مرقات یہ بالکل بھائی یہ تین کتابیں ایسی ہیں بلکہ ساتھ میں انگریزی بھی ہے چلو شکر ہے یار اس میں پاس ہے. اس میں آپ کے بھائی نے محنت نہیں کی مجھے پتا یار
आप मुझे बताइए ना, दो दिन पहले हमें जो है ना पता चला कि भाई हमारा इंग्लिश का भी पेपर होगा, फिर आपके भाई ने क्या तैयारी करनी थी यार, और तीन तीन चार चार किताबें थी, एक दिन में तीन पेपर दो पेपर, उसमें मुश्किल हो जाती ना। तो यार इस वजह से मैं थोड़े से कम नंबर आए हैं, कोई मसला नहीं यार, वी आई पी किस्म का जो है माशाल्लाह रिजल्ट आगे, बहुत खुशी हुई है, 79.11 नंबर आए हैं, बहुत ही खुशी है यार। ये आप सारा देख सकते हैं, और जिसकी पोजीशन है ये पहली मुदस्सर भाई है, अब्दुल वहाब भाई की तीसरी पोजीशन, तैयब भाई की दूसरी पोजीशन, और एक हमजा शाहिद उसकी भी तीसरी पोजीशन आई है। तो खैर यार यार मैंने आपको सारा दिखा दिया, अभी बाहर जाते हैं भाई, मेरा इंतजार कर रहा है यार। A few moments later. यार तो फाइनल जो है अलहमदुल्ला गर्मी में आ गया, ठीक है, खाना छाना खा के फिर मैं अपनी दुकान पर भी आ गया अपनी ड्यूटी देने के लिए। तो खैर यार अफसोस बहुत ही ज़्यादा हुआ, क्योंकि यार आपकी भाई की पोजीशन नहीं आई, और मुझे उम्मीद थी 90% मुझे उम्मीद थी कि यार मुझे मेरी पोजीशन आएगी, क्यों, क्योंकि थोड़ी बहुत मेहनत की थी, लेकिन मेहनत पूरी नहीं की थी जिसकी वजह से पोजीशन नहीं आई। दुख जो है यार मुझे बहुत ही ज़्यादा हुआ। तो खैर यार मैंने मेहनत नहीं की थी ना यार, मेहनत क्यों नहीं की थी वो आपको पता ही है कि यार आपके भाई ने जो है डेली व्लॉगिंग शुरू की थी, तो फिर हर रोज़ व्लॉग अपलोड करना, व्लॉग बनाना, फिर उसको एडिटिंग करना, ये टाइम लगता था, तो इसकी वजह से ना 12 एक तो वैसे बच जाता था रात के यार, फिर जो है अपलोड करता व्लॉग को और फिर टाइम नहीं होता तो सो जाता था, तो इस वजह से थोड़ी सी ना मतलब कि कमज़ोरी रही है। तो खैर यार अगर आप लोगों की सपोर्ट रही और आप लोगों की मोहब्बत रही और प्यार रहा, तो आपका भाई जो है एक वक्त आ जाएगा पोजीशन ले लेगा यार। पोजीशन लेना कोई मुश्किल काम नहीं है यार, बच्चों के कैम में यार पोजीशन लेना, हम तो पूरे जाम्बिया में टॉप करेंगे यार, वो फाक का पेपर आ रहे हैं उसमें टॉप करेगा आपका भाई यार, टेंशन नहीं लेनी। खैर यार आपको मैं बता दूं कि काफ़ी दिन हो गए मैंने आपको हसन नहीं दिखाया, अपने भतीजा वो देखो हसन क्या कर रहे हो हैं, इसके साथ खेल रहे हो हैं, क्या कर रहे हो, इधर देखो, नाराज़ हुआ वो भाई, यार ये देखो क्या कर रहा तू, ये नीचे तूने क्या गिरा दिया, अब इसको उठा जल्दी कर, उसको उठा, क्या कर रहा है यार ये, क्या तूने कर दिया है, ये देखो भाई कितने घूर रहा, वो देखो देखो गुस्सा गुस्सा चेक कर गुस्सा, ओए 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 आगे हम बैल पकड़ने के लिए बस कर, आए आए इधर देखो हसन हसन हसन, इसको देखो मैं पश्तो में कहता हूँ हसन, पापा पापा वाला हसन, आए 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 भाई देखो आपका भाई है ना खूबसूरत, चिकना है कि नहीं, बच्चे चुम्मी ले रहे, देखिए इसको मैंने मना लिया, मैंने इसको कहा यार मेरी तो ने बेइज्जती करवा दी, फिर मैं इससे चुम्मी ले जरा यार, है वो क्या नहीं मैं चिकना, वो देख ये देखो भाई चलो चुम्मी ले, हसन पापा आए भाई देखो चुम्मी ले लिया भाई इसको ना, इसके बदले कुछ देना पड़ेगा, ये केक टाइम देते हैं पता नहीं हलाल केक, ये लो चलो भाई, ये रिश्वत ली है भाई, बच्चे भी रिश्वत आजकल ले रहे हैं। A few moments later. सो यार फाइनली जो है अल्हम्दुलिल्लाह मैं दुकान से आ गया हूँ, ठीक है ना, अपनी ड्यूटी मैंने मुकम्मल कर दी है, अभी मैंने मगरिब की नमाज़ पढ़ी है यहाँ पर घर पे, क्योंकि लेट हो गया था, फिर मस्जिद यहाँ पे आपको पता है कि बंद हो जाती है, तो जिसकी वजह से मैंने मगरिब की नमाज़ अपने घर में पढ़ लिया। तो खैर यार मुझे अभी तक अफसोस है यार, अभी तक जैसे सुबह मुझे पता चला अब तक मुझे अफसोस है, खैर पोजीशन क्यों नहीं आई, क्यों नहीं है, उसकी वजह यही है कि भाई मैं व्लॉगिंग करता रहा हूँ, पढ़ा हूँ मैं नहीं, मैंने तैयारी की नहीं, जिस वजह से मेरे ना नंबर कम आया। तो खैर यार आपके लिए मैंने व्लॉगिंग किया, अब आपका हक बनता है कि अपने भाई को सपोर्ट करें, उनके सपोर्ट करते रहें ताकि आपका भाई जो है खुश हो जाए, अंदर से टूटे ना, वरना मैं बहुत ही ज़्यादा दुखी हूँ कि यार क्यों पोजीशन नहीं आई। मैं यकीन जाने कि मैं जहाँ भी पढ़ाऊँ अल्हम्दुलिल्लाह पोजीशन मेरी आती रही है, पहली दूसरी तीसरी तो मेरी मतलब कि बहुत कम आई है, पहली दूसरी अल्हम्दुलिल्लाह पोजीशन आती रही है, ठीक है, और इस दफ़ा नहीं आई, उसकी वजह यह है कि भाई मैंने व्लॉगिंग स्टार्ट की हुई थी और डेली व्लॉगिंग स्टार्ट की हुई थी यार, तो इस वजह से अभी तक उस दिन से लेकर अभी तक मेरे जो है ना अल्हम्दुलिल्लाह डेली व्लॉगिंग चलती आ रही है, कोई भी ऐसी किस्म का व्लॉग हमने नहीं छोड़ा, अगर ज़िंदगी रही और सेहत रही तो भाई इंशाल्लाह डेली व्लॉगिंग करते रहेंगे, बस आप अपने भाई को सपोर्ट करें। आपका भाई बहुत ही ज़्यादा दुखी है कि यार क्यों नहीं पोजीशन आई यार, बहुत ही ज़्यादा टेंशन पड़ी है, मारो हमको मारो हमको जिंदा मत छोड़ो सालो। यार यार यहाँ पर मैं व्लॉग का एंड कर रहा हूँ, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल बल्कि अपने चैनल अमीन व्लॉग को सब्सक्राइब नहीं किया तो भाई लाइक और सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दें ताकि हमें आने वाला व्लॉग आपको मिलता रहे। मिलते हैं अगले व्लॉग में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।